हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं सभी खेलों के मैच की अवधि एंड टाइम आउट के बारे में एक ही वीडियो में बता रही हूं। दोस्तों, इस वीडियो के देखने के बाद आपको किसी भी खेल के टाइम आउट एंड मैच की अवधि में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, इससे बेहतर कोई नहीं बताएगा दोस्तों। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस सीएलटी आदि सभी स्टेट की गवर्नमेंट एग्जाम्स की सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। उन सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पे एमसीक्यू सीरीज प्रीवियस ईयर के दिए जा रहे हैं, उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सभी खेलों की मैच की अवधि और टाइम आउट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फुटबॉल की। तो फुटबॉल की मैच की अवधि होता है 90 मिनट का मेल का, पुरुषों का, और 90 मिनट के दो हाफ होते हैं और 15 मिनट का दोनों हाफ के मध्यांतर होता है, अवकाश होता है। एंड फीमेल यानी महिलाओं के लिए 80 मिनट का टाइम होता है, 40 40 मिनट के दो हाफ, 15 मिनट के मध्यांतर होता है। एंड दोस्तों, फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं होता है। नेक्स्ट है हॉकी। हॉकी में 60 मिनट का समय होता है, यानी 15 15 मिनट के चार क्वार्टर्स होते हैं, 15 2 15 फिर 5 मिनट का मध्यांतर, फिर 15 2 15 यानी 15 के बाद 2 मिनट का क्वार्टर ब्रेक, फिर 15 फिर 5 मिनट का मध्यांतर, फिर 15 2 15 के बीच में क्वार्टर ब्रेक होगा। नेक्स्ट है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में 3 या 5 सेट होता है, 4 सेट 25 अंक का और 5वां सेट 15 अंक का होता है। पहले 3 सेटों के मध्य 2 मिनट का अवकाश एंड 5वें सेटों चौथे और 5वें सेटों के मध्य 5 मिनट का अवकाश होता है। विजयी होने के लिए 2 अंक का अंतर होना चाहिए। किसी टीम के 3 सेट जीतने पर मैच वहीं पे समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर बराबर हो गया, टाई हो गया तो 5वां सेट 15 अंक का, 5वां भी टाई हो गया तो मैच तब तक चलता रहेगा जब तक 2 का अंतर नहीं हो जाए। अब बात करते हैं वॉलीबॉल के टाइम आउट की। तो इसमें एक टीम को प्रत्येक सेट में 2 टाइम आउट 30-30 सेकेंड का दिया जाता है, जो खेल रुकने व सर्विस ब्रेक होने पर दिया जाता है। दूसरा टाइम होता है टेक्निकल टाइम आउट। इसमें 2 टेक्निकल टाइम आउट 60-60 सेकेंड का दिया जाता है। पहला 8 अंक लीडिंग टीम के बनाने पर और दूसरा टेक्निकल टाइम आउट 60 अंक लीडिंग टीम के बनाने पर दिया जाता है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का समय होता है, मैच की अवधि होती है 40 मिनट। इसमें 20-20 मिनट के दो हाफ यानी 10-10 मिनट के चार क्वार्टर्स में बटा होता है एंड पहला हाफ 10-2-10 का होता है। उसके बाद 15 मिनट का मध्यांतर होता है, फिर दूसरा हाफ 20 मिनट का यानी 10-2-10 का होता है एंड यानी कि चार क्वार्टर्स 10-10 मिनट के होते हैं, यानी 10-2-10 दो क्वार्टर ब्रेक होता है, फिर 15 मिनट का मध्यांतर, फिर 10-2-10 दो क्वार्टर ब्रेक। टाई होने पर 5 मिनट समय दिया जाता है, मध्यांतर 2 मिनट। अब बात करते हैं बास्केटबॉल के टाइम आउट की। इसमें बास्केटबॉल में प्रथम हाफ में यानी 10-2-10 दो टाइम आउट और दूसरे हाफ में 10-2-10 में 3 टाइम आउट दिया जाता है और प्रत्येक टाइम आउट 1 मिनट का होता है। टाई होने पर जो अतिरिक्त समय होता है उसमें 1 टाइम आउट
एक मिनट का प्रत्येक टीम को दिया जाता है, फाउल होने पर या बॉल बाहर जाने पर। नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन में मैच की अवधि पुरुषों के लिए 21-21 अंक के 5 सेट एंड महिला के लिए 21-21 अंक के 3 सेट यानी बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर विजेता चुना जाता है। नेक्स्ट है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में पुरुषों के लिए 11 अंकों के 5 सेट और महिला के लिए 11 अंकों के 3 सेट यानी दो विजयी होने के लिए 2 अंक का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में पुरुषों के लिए 5 सेट और महिला के लिए 3 सेट और प्रत्येक सेट में 6-6 गेम होने चाहिए। जो एक सेट में पहले 6 गेम जीत जाता है वह विजयी होता है और यह अवधि मैच में हार जीत तक बिना रुके चलता रहेगा। नेक्स्ट है हैंडबॉल। हैंडबॉल पुरुषों के लिए मैच की अवधि होती है 60 मिनट यानी 30-30 मिनट के 2 हाफ और बीच में मध्यांतर 10 मिनट का और महिला के लिए 50 मिनट 25-25 मिनट के 2 हाफ और 10 मिनट का मध्यांतर। अब बात करते हैं हैंडबॉल के टाइम आउट की। तो हैंडबॉल में प्रत्येक टीम प्रत्येक हाफ में एक टाइम आउट 1 मिनट का दिया जाता है यानी प्रत्येक टीम को प्रत्येक हाफ में एक टाइम आउट 1 मिनट का दिया जाता है। नेक्स्ट है कबड्डी। कबड्डी में पुरुषों के लिए टाइम 40 मिनट का यानी 20-20 मिनट का 2 हाफ और मध्यांतर 5 मिनट का, महिला के लिए 30 मिनट 15-15 मिनट के 2 हाफ मध्यांतर 5 मिनट का, टाई होने पर 5-5 मिनट रेड डालने का मौका दिया जाता है एंड कबड्डी में टाइम आउट एक टीम एक हाफ में 2 टाइम आउट 30-30 सेकेंड का ले सकती है। अब बात करते हैं खो खो की। खो खो में एक मैच में 2 इनिंग्स और हर इनिंग्स में 2 टर्न होते हैं। इनिंग्स मतलब यहाँ पे पारियां होता है यानी 2 पारियां होती हैं और दो दो टर्न होती हैं। हर इनिंग्स में 2 टर्न होते हैं। कैसे? जैसे सीनियर के लिए होता है 9-5-9। सीनियर के लिए कितना होता है? 9-5-9 प्रथम इनिंग्स और बीच में 9 मिनट का मध्यांतर, फिर दूसरी इनिंग 9-5-9 यानी कि 5 मिनट का 9-5-9 यानी 5 मिनट का क्वार्टर ब्रेक होता है। जूनियर के लिए 7-2-7 प्रथम इनिंग्स एंड बीच में मध्यांतर 7 मिनट का, फिर 7-2-7 दूसरा इनिंग। नेक्स्ट है कुश्ती। कुश्ती में 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं और प्रत्येक राउंड के पश्चात 30 सेकेंड का ब्रेक होता है। दोस्तों इसमें किसी खिलाड़ी के अंकों का अंतर प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी के अंक से ग्रीको रोमन से 8 अंक तथा फ्री स्टाइल से 10 अंक तक हो तो बाउट वही खत्म हो जाती है और वह विजयी हो जाता है। नेक्स्ट है बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी। बॉक्सिंग की मैच की अवधि क्या होती है कि इसमें बाउट होती है, बाउट की संख्या है। इसमें एक बाउट में 3 राउंड और प्रत्येक राउंड 3-3 मिनट का होता है। प्रत्येक राउंड के बाद ब्रेक 1 मिनट का होता है। नेक्स्ट है वाटर पोलो। वाटर पोलो 8-8 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। वाटर पोलो में 8-8 मिनट के 4 क्वार्टर्स होते हैं। मैच की अवधि में 8-8 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, जैसे 8-2-8, उसके बाद 5 मिनट का मध्यांतर, फिर 8-2-8, 2 मिनट का जो है, 8 के बीच में जो 2 मिनट का है वो क्वार्टर ब्रेक है यानी पूरा 32 मिनट का होता है। और वाटर पोलो में टाइम आउट की बात करें तो प्रत्येक टीम प्रत्येक क्वार्टर में एक टाइम आउट 1 मिनट का ले सकती है यानी कि एक टीम 4 टाइम
टाइम आउट ले सकती है। नेक्स्ट है पोलो। पोलो 56 मिनट में का मैच अवधि होता है, यानी 7 मिनट के 8 सत्र होते हैं, यानी 8 × 56। नेक्स्ट है फेंसिंग, तलवारबाजी। तलवारबाजी फेंसिंग में 9 मिनट का मैच की अवधि होती है, यानी 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, यानी 9 मिनट। इसमें जो पहले 15 अंक बना लेता है वह विजयी घोषित किया जाता है किसी एक राउंड में। नेक्स्ट है जूडो। जूडो में एक फाइट का समय 5 मिनट का होता है। टाई होने पर 2 मिनट का गोल्डन स्कोर दिया जाता है। 2 मिनट का जो पहला स्कोर मारेगा वही विजयी होगा। 2 मिनट में जो पहला स्कोर मारेगा वही विजयी होगा। फिर अगर टाई हो जाता है तो उस फाइट का निर्णय हंते से होता है। हंते के अंदर दो झंडियां होती हैं, प्रयोग होता है सफेद और नीली। तो दोस्तों ये था सभी खेलों के टाइम आउट एंड मैच की अवधि के बारे में। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए दोस्तों, जिससे आपके माध्यम से मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके, जिससे मैं डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियोज बना सकूँ। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में खेलों के निर्णायक अधिकारियों एंड विभिन्न खेलों में कौन किसका जन्मदाता कौन है इसके बारे में, एंड दोस्तों विभिन्न खेलों की थ्रोइंग एंड जंपिंग इवेंट की शैलियों के बारे में होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।